वोडका को कोरोना वायरस की दवा बता चुकी बेलारूस के राष्ट्रपति ने एक और अजीबोगरीब दावा किया है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि उनके देश में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई और न ही आगे कोई बरेगा। हालांकि बेलारूस में आधिकारिक तौर से कोरोना वायरस से हुई मौतों का आंकड़ा 2 दर्जन से ज्यादा है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस को लेकर अलेक्जेंडर ने कहा कि वोडका पीने, ट्रैक्टर चलाने, बकरियों के साथ खेलने से ये बीमारी ठीक हो जाती है। ब्रिटिश मीडिया में अलेक्जेंडर को तानाशाह कहा जाता है। अलेक्जेंडर पर ये भी आरोप लगते हैं कि वो डॉक्टर और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे हैं और वायरस को गंभीरता से नहीं ले रहे। इससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया और देश के 95 लाख लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हमने उन दवाओं की खोज कर ली है जिससे लोग कोरोना से ठीक हो जाते हैं। 65 साल के अलेक्जेंडर 25 सालों से ज्यादा समय से देश की सत्ता पर काबिज है। हालांकि उन्होंने विस्तार से नहीं बताया कि किन दवाओं से वो कोरोना बीमारी को ठीक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लोग डरे हुए हैं, इसलिए लोगों से कहा, देश में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे देश में कोरोना वायरस से किसी की मौत नहीं हुई, मैं इसे सार्वजनिक तौर से कह रहा हूँ। राष्ट्रपति ने मौत के आंकड़ों के संबंध में कहा, उन लोगों की मौत किसी अन्य बीमारी से हुई जिनसे वो पहले से जूझ रहे थे। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने यहाँ तक दावा किया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी उनसे सहमत हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।